हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लाइटें देख रहा था, अपनी हो चुकी है, सब ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। तो आज है अगला दिन, बढ़िया। अभी मैं जा रहा हूँ एक काम से, वहीं पे मिलेंगे मामू, तो वो काम करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी बहुत सही है वो। और आज एक गुड न्यूज़ है, जाओ आंटी, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। आप जाओ, तुम भी जाओ, मैं बाद में चले जाऊँगा। वेट कर लेते हैं ना यार। भाई तू तो निकाल ले, खड़ जा बेरे, तू खड़ जा। तो भाई आज एक गुड न्यूज़ है, वो मैं दिन के लास्ट में दूंगा, मतलब व्लॉग के एंड में दूंगा वो मैं, ठीक है? तो चलो फिलहाल चलते हैं। और मेरा भगवद गीता का पाठ हो गया है, खाना वगैरह मेरा डन हो गया है, बस अभी इस मार्केट में जाना है मैं। चलो पहले गाड़ी लगाता हूँ मैं, फिर निकलते हैं। ओए होए भाई, अटकता बहुत हूँ यार मैं। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, अभी आए थे मामू। भाई मार्केट से भी ले लिया है सामान, फोन आ गया था घर से कि कुछ सामान लेना है, पर अब निकलते हैं। रोड के पार गाड़ी खड़ी हुई है। एक गुड न्यूज जो बतानी थी मैंने, उसकी भी डिलीवरी पैकिंग करनी है यार, बताता हूँ। चलो घर चलता हूँ, फिर बात करते हैं। चलो यार निकलते हैं। कोई फंक्शन भी आ रहा है क्या? ये ऐसे चक्रियां सी पड़ी हुई हैं। कुछ आ रहा है क्या फंक्शन वगैरह? अपने को तो भाई कुछ नहीं बताता, मेरे को तो मम्मी बताते हैं कि आज ये है, अब ये फंक्शन आने वाला है। कुछ नहीं बताता कभी, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार अगर मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, आने वाले टाइम में हम भी बुजुर्ग होंगे, पता नहीं ऐसा टाइम आएगा नहीं आएगा, लेकिन यार जब भी होगा तो यार क्या करेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं होगा, हम क्या बताएंगे बच्चों को कि बस कल सैटरडे है और फिर संडे है, छुट्टी मनाओ, हॉलीडे मनाओ। हमें तो कुछ पता ही नहीं होगा, बस जो कैलेंडर में बता रखे हैं वो होते हैं। एक्चुअल में तो यार मम्मी लोग को पता होता है ना फंक्शन कौन सा है, कब है, हमें तो कुछ भी नहीं पता यार। बहुत ही नल्ले इंसान हैं हम, सभी को बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों को भी किसी को नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें नहीं पता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अकेले, मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, किसी को कुछ नहीं बताता। सुबह उठते ही पता लगता है। अबे और तो और, मेरे को तो एक आज ची तक का नहीं पता होता यार। मम्मी बताते हैं कि बेटा कल एक आज ची है, मैंने कहा ठीक है मम्मा फास्टिंग है, ओके कल नारियल पानी पी लिया जाए। नारियल पानी का बड़ा दिल कर रहा था मेरा, पिया नहीं। धन्यवाद भाई। नहीं दिखता आजकल छोटा कहाँ गया? नाम तो भूल गया भाई का मैं, सबसे छोटा जो आप लोगों में से। दूसरा टेंडर था भाई, अभी टेंडर चेंज हो। अच्छा टेंडर ही चेंज हो गया? हाँ। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी, हो गए 20 दिन पहले ही देखा होगा ना भाई। मैं तो उसी से पिता था, मेरे को खोल खोल के देता रहता था वो, मैंने ब्लॉग में मेरे बड़े आता था वो। अच्छा, इसलिए मेरे को पता है। चलो भाई ठीक है, धन्यवाद। ओके भाई। भाई अपने को पता नहीं लगा इनके टेंडर वगैरह भी होते हैं, मेरे को लगा बताओ यार कि वही होता है। मैं तो काफी टाइम से देख रहा था उसको, 2-3 साल हो गए मेरे को देखते हुए, वही देता था मेरे को। तो आज बंदा चेंज हो गया, इनके भी टेंडर होते होंगे भाई। 2000 years later, मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद आ गया हूँ मामू के पास। जैसे कि मैंने बोला था मामू शाम को मिलते हैं, आपको लग रहा होगा कि अंधेरा हो गया, लेकिन भाई आजकल दिन हो गए बहुत छोटे, तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो अभी सिर्फ शाम ही हुई है। तो चलते हैं कुछ सामान लेने, मामू ने भी लेना है क्योंकि कल तो मेरे को चले ही जाना है। शाम को बताता हूँ, मतलब वीडियो के एंड में बताता हूँ कहाँ पे जाना है, और मेरे को अपने लिए भी थोड़ा सामान वगैरह लेना है। तो बस हम पहुँच ही गए हैं, मैं मामू के पास ही पहुँच गया हूँ अभी। आज तो भाई चंडीगढ़ में इतने नाके लगे हुए हैं ना अपनी गाड़ी को, खैर अभी तक किसी ने हाथ नहीं दिया क्योंकि अपना कायदे में चलते हैं, इसलिए फायदे में रहते हैं। भाई बहुत नाके लगे हुए हैं चंडीगढ़ में। हरे कृष्णा, मैं लेट हो गया, हम आ गए मार्केट में। काट लो काट लो, बंद कर देंगे, आ जाओ। चलो भाई थोड़ा देखते हैं, हम निकलते हैं। जहाँ पे जाना था हम जाके आ चुके हैं, अभी किसी घर पे आना है क्योंकि कल सुबह है शोभा यात्रा मटकी, तो उसकी भी रीरूटिंग करनी थी। मामू ने जो भी करना था बस वही कर रहे हैं अभी बैठ के, कल 41 सेक्टर में 41 में बस वही कर रहे थे। अभी गए हैं जिसके घर में एंड है, वहाँ पे गए हैं बात करने के लिए। तो चलो इसके बाद हम चलेंगे घर पे। लॉक पता नहीं कि होगी, मैंने तो पता नहीं लगा लॉक क्यों होगी। हो गए
करता हां जी कल इधर ही है ना शोभा यात्रा नगर कीर्तन नगर कीर्तन प्रभात फेरी प्रभात फेरी यार मैं ही नाम भूल गया नगर नगर कीर्तन प्रभात फेरी है कल उसकी रूटिंग करने के लिए आए हैं हम मामू ने कर दी है रूटिंग कि थे क्या लगना है क्या नहीं लगना जो हम देखते हैं ना सुबह सुबह नगर कीर्तन निकलता है वो भी ऐसे नहीं निकल जाता उसके लिए भी मेहनत लगती है ना वो सारी की सारी मेहनत करनी पड़ती है तो चलो अब निकलते हैं रात हो गई है मामू को ड्रॉप कर दिया मैंने अब मैं जा रहा हूँ घर पे चलो भाई 10:15 हो गए हैं यार इतना टाइम हो गया आज तो बाहर सच में अब दिवाली आ रही है मेरे को लग रहा है इसलिए नाके लगे हुए हैं ज़्यादा 2-3 जगह नाके देखे मैंने तो मैं पहुँच गया हूँ घर पे तो चलो अब एडिटिंग करते हैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती है और आज की जो गुड न्यूज़ है वो ये है भाई कि कल मैं जा रहा हूँ वापस दुबई जो एक्टिविटी थोड़ी रह गई थी वो करने के लिए पूरी तो चलते हैं कल दुबई देखते रहना भी यार सारे के सारे मेरे ब्लॉग दुबई में भी डेली डालूंगा डेली अपलोड करूंगा थोड़ा तो साथ देना यार ठीक है अगर यहाँ तक आए हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक के लिए बाय बाय हरे कृष्णा समझ गया ना कल कहाँ जा रहा हूँ मैं इस वक्त तक तो होऊंगा आगे जब तक मेरी वीडियो देख रहे हो मैं पहुँच चुका हूँ दुबई